अक्सर हम सुनते आते हैं, कहा जाता है कि संगति का बहुत ही ज़्यादा असर होता है हमारे जीवन में। लेकिन मेरा ये मानना है, यदि और मेरा ही क्यों, रहीम कवि ने बहुत ही अच्छा कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। मीनिंग समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, यदि आपकी प्रकृति सबसे अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो का करी सकत कुसंग, कुसंग का उस पर क्या असर पड़ेगा। भले ही आपकी संगति खराब क्यों नहीं हो, आप कितनी ही बुरी संगति में क्यों नहीं रहते हो, उस पर आपका असर पड़ना चाहिए, ना कि आप पर उनका। यदि आपकी उत्तम प्रकृति है तो, यानी आपको अपने आचरण और व्यवहार में पूर्ण विश्वास है तो। और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, यानी भुजंग मतलब सांप होता है, यानी चंदन की लकड़ी भले ही सांप चंदन की लकड़ी से क्यों नहीं लिपटा हुआ हो, उसके बावजूद चंदन में कहाँ विष आ जाता है सांप का। चंदन अपनी सुगंध को कहाँ छोड़ देता है, कहाँ विष अपना लेता है। तो बहुत ही सही मुझे लगती है, बहुत ही प्रभावित पंक्तियाँ हैं ये। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। धन्यवाद।